अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमैर मलिक है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अस्क्री प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स, आखिर वो शाहकार घर मिल गया जिसका था सबको बेसब्री से इंतज़ार। आज आपकी खिदमत में ऐसा खूबसूरत घर लेके आया हूँ जो कि जन्नत नुमा महल है और मुझे पूरा यकीन है कि इतनी प्राइम लोकेशन पे इतना खूबसूरत घर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और इतनी मुनासिब डिमांड में। फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हैं कि वाइट कलर की कम्बिनेशन के साथ वाइट हाउस डिज़ाइन किया गया और बहुत ही बेहतरीन किस्म की लुक इस घर को दी गई है। गली इसकी देख लीजिए, 30 फुट कारपेट स्ट्रीट है। आसपास आपको इसकी कोठियाँ बंगले डिज़ाइन हुए हुए मिलते हैं। 30 फुट कारपेट स्ट्रीट में आपका ये खूबसूरत घर मौजूद है। फ्रंट एलिवेशन में कैरी डिज़ाइन करके इसके अंदर पौधे वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं। एक बेहतरीन किस्म की लुक आपको इसके फ्रंट एलिवेशन में डिज़ाइन हुई हुई मिलती है और इसका जो फसाद है इसको वाइट एंड गोल्डन कलर के कम्बिनेशन के साथ डिज़ाइन किए गए जो कि एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पेश कर रहा है। और जितनी ज़बरदस्त लुक इसके फ्रंट एलिवेशन से दी गई है, फ्रंट एलिवेशन को दी गई है, इतनी ज़बरदस्त लुक इसके इंटीरियर को भी दी गई है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के व्यूअर्स इंटर होते हैं हम इसके कारपोच के अंदर। तो अगर हम इसकी फैसिलिटीज की बात करें इसके अंदर, तो बोर इस घर के अंदर मौजूद है, बिजली का मीटर इंस्टॉल्ड है, गैस की लाइन बिछी हुई है। व्यूअर्स, कारपोच इसका देख लीजिए, माशाल्लाह से काफी वाइड ये कारपोच डिजाइन किया गया। इसके अंदर बड़ी गाड़ी इजिली खड़ी हो सकती है, इजिली आप इसके अंदर कारपोच के अंदर बड़ी कार इजिली खड़ी कर सकते हैं। बेशक आप इसके अंदर प्राडो कार भी ले आए, GLI कार ले आए, आल्टो कार, मेरान कार इजीली इस कारपोच के अंदर खड़ी हो जाएगी। 5 मरला घर में वैसे अमूमन प्राडो कार नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन आप इसके अंदर प्राडो कार भी खड़ी कर सकते हैं। तो ये आ गया इसका ड्राइंग रूम। ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिजाइन इसका देख सकते हैं, नीचे फ्लोरिंग आप इसकी देख सकते हैं कि खूबसूरत किस्म के मार्बल की फ्लोरिंग की गई है। ड्राइंग रूम को ओपनली रखा गया है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं। दोबारा से व्यू देख लीजिए इसके ड्राइंग रूम का। नीचे फ्लोरिंग आप इसकी देख सकते हैं, मार्बल की फ्लोरिंग की गई है। सामने वेंटिलेशन विंडो जो कि बाहर इसकी सीट की जानिब ओपन होती है, तो इसको ड्राइंग रूम की जानिब से भी एक्सेस दी गई है टीवी हॉल को, लेकिन हम इसकी जो टीवी हॉल की मेन एंट्रेंस है वहां से इसके अंदर एंटर होंगे। तो ये हम एंटर होते हैं इसके टीवी हॉल के अंदर। डबल डोर इंस्टॉल किया गया, ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिजाइन आप इसके अंदर देख सकते हैं इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। सामने मीडिया वॉल इंस्टॉल की गई है, खूबसूरत किस्म की मीडिया वॉल इंस्टॉल की गई है। और ये बैक वाली साइड पर आ गया इसका ओपन किचन। ओपन किचन के अंदर आप देखिएगा कि कितनी जबरदस्त किस्म की यूवी शीट का इस्तेमाल करके इसके ओपन किचन को डिजाइन किया गया। ये इसकी मीडिया वॉल देख लीजिए जो टीवी हॉल के अंदर डिजाइन की गई है। अभी इसके अंदर जो ग्लास वर्क रहता है इसकी कैबिनेट्स के अंदर जो शीशे वगैरह लगने रहते हैं वो आपको कंप्लीट लगा के तैयार करके देंगे, जो भी इसके अंदर फिनिशिंग का काम रहता है। फॉर एग्जांपल इसकी जो मीडिया वॉल है इसके अंदर अभी ग्लास वगैरह लगने रहते हैं, शीशे लगने रहते हैं, और इसके अटैच वॉशरूम्स में जितना भी बर्तन वगैरह लगने रहते हैं वो कंप्लीट आपको तैयार करा के लगा के देंगे। तो ये इसका ओपन किचन देख लीजिए, ज़बरदस्त किस्म की यूवी शीट का इस्तेमाल करके इसके ओपन किचन को डिज़ाइन किया गया। और ये यूवी शीट आपको पता है बाजार से कितनी महंगी मिलती है, सबसे महंगी तीन यूवी शीट यहाँ पर लगी हुई है। सिंग एरिया ऊपर बड़ी वेंटिलेशन विंडो इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। ज़बरदस्त किस्म की यूवी शीट का इस्तेमाल करके इसके ओपन किचन को डिजाइन किया गया। इसको क्लोज करना चाहते हैं हम तो क्लोज भी कर सकते हैं। ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम। नीचे फ्लोरिंग देख लीजिए, खूबसूरत किस्म के मार्बल की फ्लोरिंग की गई है। ऊपर इसका शाइन किस्म का सीलिंग डिजाइन इंस्टॉल किया गया। यहां से इसको वेंटिलेशन विंडो लगा के बाहर लॉन्ड्री एरिया की जानिब एक्सेस दी गई है। ऊपर दोबारा से देख लीजिए सीलिंग डिजाइन, नीचे फ्लोरिंग देख लीजिए मार्बल की फ्लोरिंग की गई है। ये आ गई इसकी कैबिनेट्स, जबरदस्त किस्म की कैबिनेट्स व्यूअर्स इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। कंप्लीट वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कि रेड कलर की कंबिनेशन के साथ कंट्रास्ट के साथ इसकी सीलिंग्स को और इसकी कैबिनेट्स को डिजाइन किया गया इसके बेडरूम के अंदर। और बहुत ही बेहतरीन किस्म की लुक इसकी सीलिंग्स के अंदर और इसकी कबर्ड्स के अंदर दी गई है। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम, इसके अंदर खूबसूरत किस्म का टाइल वर्क किया गया, छोटी सी वेंटिलेशन विंडो जो कि
लॉन्ड्री एरिया की जानब एक्सेस दी गई है। सिंग एरिया इंस्टॉल किया गया, बेसिन एरिया इंस्टॉल किया गया और साथ इंग्लिश सीट भी इंस्टॉल की गई है। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं अब हम इसके सेकंड बेडरूम की जानब। तो ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम का ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं, नीचे फ्लोरिंग आप इसकी देख सकते हैं, मार्बल की फ्लोरिंग की गई है और ये बैक वाली साइड पर इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कबर्स इंस्टॉल की गई हैं। दोनों बेडरूम्स के अंदर कैबिनेट्स का काम किया गया, कबर्स इंस्टॉल करके बेडरूम्स को डेकोरेट किया गया और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि रेड कलर की कंबिनेशन के साथ लसानी शीट का इस्तेमाल किया गया और रेड कलर की लसानी शीट का इस्तेमाल करके इसके कैबिनेट्स को कंप्लीट वॉल के ऊपर डिजाइन किया गया। फर्स्ट बेडरूम के अंदर वाली साइड से एक्सेस दी गई थी अटैच वॉशरूम की जानिब, लेकिन सेकंड बेडरूम के अंदर आप देख सकते हैं कि बाहर वाली साइड से एक्सेस दी गई है इसके अटैच वॉशरूम को। ऊपर से ओपन स्काई आपको देखने को मिलता है, लॉन्ड्री एरिया काफी वाइड है, लॉन्ड्री एरिया डिजाइन किया गया और ये सामने आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अटैच वॉशरूम डिजाइन किया गया, बेसिन एरिया इंस्टॉल किया गया, शावर एरिया भी इंस्टॉल किया गया। वैसे अमूमन जो ब्रांड न्यू घर होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि बर्तन वगैरह इंस्टॉल नहीं होते, लेकिन इसके अंदर बर्तन भी लगे हुए हैं कंप्लीट अटैच वॉशरूम्स के अंदर, बेसिन एरिया और शावर एरिया कंप्लीट लगा हुआ है। तो इसको आपको डिलीवर करने की जरूरत नहीं होगी, बस यही होगा कि शीशे वगैरह इसकी अलमारियों के अंदर और वेंटिलेशन विंडोज के अंदर लगने रहते हैं, वही आपको कंप्लीट लगा के देंगे। तो व्यूअर्स जो इसका बोर है वो इसके कारपोच के अंदर ही हुआ है, बार वापसी भी आपके मैं आपको दिखाता हूँ। बोर स्टेनलेस स्टील की ग्रिल आप देख लीजिए जो इसकी स्टेयर्स के ऊपर इंस्टॉल की गई है। तो बढ़ते हैं इसके टेरिस की जानिब, अभी शाम भी पड़ने वाली है तो जल्दी से मैं आपको टेरिस का व्यू दिखा देता हूँ ताकि व्यूअर्स आपको आसपास का एरिया नज़र आए, डेवलपमेंट नज़र आए कि किस तरह की प्राइम किस्म की लोकेशन आसपास आपको देखने को मिलती है। और मुझे पूरा यकीन है कि इतनी मुनासिब डिमांड में इतनी प्राइम लोकेशन पे आपने इतना खूबसूरत घर पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो ये आसपास इसका टेरेस देख लीजिए, आसपास का एरिया भी देख लीजिए, कितनी ज़बरदस्त किस्म की प्राइम किस्म की लोकेशन आपको इस टेरेस से देखने को मिलती है। ऊपर पानी वाली टंकी भी इंस्टॉल हुई हुई है, जिस टाइम आप इसके अंदर ऊपर सेकंड पोर्शन डिज़ाइन करेंगे तो एज इट इज़ सेटिंग इस सेकंड पोर्शन की भी आपको देखने को मिलेगी जैसे फर्स्ट पोर्शन की हुई हुई है, जिसके अंदर दो बेडरूम्स, एक ड्राइंग रूम, एक टीवी हॉल, एक ओपन किचन, तीन अटैच वॉशरूम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो व्यूअर्स अगर हम बात करें इसकी डिमांड की तो इसकी जो डिमांड है वो है 80 लाख रुपये, जो कि जगह की मुनासिबत के हिसाब से काफ़ी मुनासिब है। और लोकेशन इसकी व्यूवर्स लालाजार रावलपिंडी इस घर की लोकेशन है। मजीद डिटेल्स के लिए मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये इसके पानी का बोर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।